7570 का एक टारगेट लगा के चल सकते हैं। एनजे नेचुरल गैस प्राइसेस आप कैसे देखेंगे, जिस तरह का रीबाउंड यहाँ पर है और कल रात तो अच्छी खासी तेजी फिर से देखने को मिली। मनीषा, मुझे लगता है अगर रशिया यूक्रेन का कोई क्राइसिस का सोल्यूशन अगर नहीं होता है तो नेचुरल गैस पार्टी स्पॉइलर हो सकता है। जिस हिसाब से अब यहाँ पे कंसर्न्स बढ़ रहे हैं यूरोपियन मार्केट में नेचुरल गैस सप्लाई को लेके, और विंटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जैसा मैंने कहा इट कैन बी पार्टी स्पॉइलर। $10 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई मंदी का रुख है नेचुरल गैस में, प्योरली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन। लेट्स होप कि यहाँ पे थिंग्स मेटेरियलाइज हो जाए बहुत जल्द, अदरवाइज ये एक ट्रिगर बन सकता है और ग्लोबल रिसेशन को और एस्केलेट करने के लिए। तो नेचुरल गैस में मैं बेरिश नहीं हूँ, बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। वोलेटिलिटी बहुत रहेगा क्योंकि यहाँ से आने वाले एक आध महीने यहाँ पे बहुत सारे न्यूज ड्रिवन फैक्टर्स रहेंगे जो वोलेटिलिटी को बढ़ाएंगे। कोई ट्रेडर अगर इसमें अपने पोजीशन इनिशिएट करना चाहता है तो उसे रिस्क रिवॉर्ड का समझ होना बहुत जरूरी है। इतना वोलेटिलिटी प्ले करने के लिए एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस चाहिए। करंट लेवल्स पे शॉर्ट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कॉशियसली बाय करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई नॉन एग्री की, जहां पर क्लियरली मार्केट असमंजस में है, लेकिन जिस तरह के रिसेशन फियर्स बाजार में है, रेट हाइक इंपैक्ट पड़ेगा उसमें, आप कैसे बनाए स्ट्रेटजी हमारे गेस्ट ने आपको बताया है। लेकिन बात यहां पर अब एग्रो कमोडिटीज की भी करेंगे, जहां पर अगर आप मॉनसून देखें तो अब तक 11% अबव नॉर्मल है, 8% की डेफिशिएंसी जून में थी, लेकिन जुलाई में 25% एक्सेस रेनफॉल हमने आता हुआ देखा, लेकिन जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रही है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी